अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील TFT स्पोर्ट्स की जानिब से आपको सलाम पेश करता है। हमेशा की तरह मेरी काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पोस्ट पे आप अपने कमेंट्स जरूर दें। दे आर वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यू विल बी गाइडिंग फॉर अस इफ यू कमेंट ऑन आवर वीडियो। जनाब मुबारक हो कौम को, पाकिस्तान ने श्रीलंका को दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 4 विकेटों से 1 गोल में शिकस्त दी। ये पूरे 1 साल के बाद पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच जीता है और इसका तमाम क्रेडिट जो मैं दूंगा वो सऊद शकील की शानदार बैटिंग को। सऊद शकील ने ट्रिमेंडस बैटिंग की और मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते थे कि इससे पहले वो टीम में आ जाते। लेकिन बहरहाल पीटीबी में ये होता है कि जनाब जो मेरिट पे उतरता है उसको जगह नहीं मिलती और जो मेरिट लेस होता है वो टीम में आ जाता है। ये एक गैलेंट इनिंग्स थी, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। उनके एवरेज जो है ऑलमोस्ट 98 के करीब है टेस्ट मैचेस में। बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। दुनिया क्रिकेट में अब उनका डंका बच रहा है। सऊद शकील की ये इनिंग्स एक यादगार इनिंग्स है। पाकिस्तान जीत गया, लेकिन यहां मैं ये भी कह बगैर नहीं रहूंगा कि श्रीलंकन जो स्पिनर्स थे उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स से ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। 131 रन पाकिस्तान को बनाने थे और 131 रन पर पाकिस्तान ने 6 विकेट गवा दिए। यकीनन 4थी मरतबा पाकिस्तान ने बैटिंग की और विकेट टर्न भी ले रही थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के रिकॉर्ड में और 1 साल के बाद ये कामयाबी मिली, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है। अब ये चाहिए पीसीबी को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलें। जनाब दूसरी बात ये है कि एशिया कप की जो कप था कल उसकी अनवीलिंग थी और उसके साथ ही उसके शेड्यूल का अनाउंस किया गया लाहौर में। पीसीबी की जानिब से एक महफिल सजाई गई, काफी लोग उसमें आए, शेड्यूल का ऐलान किया गया उसके अंदर। लेकिन तुरफा तमाशा यह है, हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन 1 घंटे पहले यह तकरीब लाहौर में 7:15 बजे के करीब होने वाली थी। उससे 1 घंटे पहले ACC के सदर जय शाह साहब ने ट्वीट करके शेड्यूल का अनाउंस कर दिया। और हैरानकुन बात है कि उसके बावजूद पीसीबी ने इस तकरीब को मुनक्कद किया। होना तो ये चाहिए था कि एज ए प्रोटेस्ट उनको ये तकरीब को मुलतवी कर देना चाहिए थी। कम से कम ऑफिशियली सतह पर उनको जय शाह से शिकायत तो करनी चाहिए कि जनाब आपने कैसे ट्वीट कर दिया, होस्ट हम है, हक हमारा था। लेकिन मेरी ना जाने समझ में आ रहा है कि पीसीबी की क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी ऐसी बात है जिसमें वो इतने दबाव के शिकार है। जाहिर सी बात है मैनेजमेंट आए दिन चेंज होगी तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी और यही हुआ है। जय शाह साहब ने अपना रोल अदा कर दिया, ट्वीट कर दिया, दुनिया को पहले बता दिया कि जनाब ये है शेड्यूल। उसके बाद पीसीबी शेड्यूल का ऐलान करे, करती ना करती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मॉरल ग्राउंड्स पे उनको एक प्रोटेस्ट तो करना चाहिए। आज तक यहां तक आपके साथ ये बात हमने शेयर की है और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते भी हम ऐसी ही खबरें आपके साथ लेके आएंगे पीसीबी के मुतालिक और एशिया कप के मुतालिक और दुनिया क्रिकेट में क्या हो रहा है उसके मुतालिक। इकबाल जमील को उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।